वेलकम बैक टू YouTube चैनल आशु टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जॉब रोल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको विप्रो की तरफ से एंड डेलॉइट कंपनी की तरफ से आने वाली है गाइस। एंड यहां पे एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। अगर आपने बीसीए किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ बीबीटेक कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पे रिसेंट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2020, 2021 एंड 2022 पास आउट बैच से बिलोंग करते हो तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको विप्रो की तरफ से आ जाती है, जहां पे आप देख सकते हो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का आपको जॉब देखने मिल जाता है विप्रो एचआर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का आपको जॉब रोल देखने मिल जाता है, जहां पे आप देख सकते हो कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी आपको कॉल्स के, चैट के, ईमेल्स के थ्रू। साथ साथ यहाँ पे आपको टाइमली एंड एक्यूरेट सर्विस डिलीवरी करनी होगी। क्लाइंट एंड डोमेन नॉलेज आपको बिल्ड करना होगा। ओके, क्लाइंट सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ओके, यही बेसिक चीजें यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पे आपको कस्टमर्स की क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व करनी होगी। 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड आप रोटेशनल शिफ्ट में वर्क करने के लिए फ्लेक्सिबल होने चाहिए। साथ साथ प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर यूसेज एंड बेसिक नॉलेज ऑन एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। करियर रोड मैप जो है आपको डिफाइंड होने चाहिए। ओके, इंसेंटिव प्रोग्राम्स मिलने वाले आपको परफॉर्मेंस के बेस पे। ओके, वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है, 5 days वर्क होने वाला आपका वीक में। ओके, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो बीकॉम में, बीए में, बीसीए, बीबीए, बीएचएमएस, बीएचएम, बीएससी, बीएससी आईटी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे एमबीए, बीबीटेक ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर उन्हें मिनिमम 6 months का बीपीओ एक्सपीरियंस आता है तो। ओके, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आ जाती है डेलॉइट कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है, जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड टू एंड टिकट मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कॉल्स, चैट एंड ईमेल्स के थ्रू वॉइस एंड नॉन वॉइस सपोर्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करने होंगे, उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करने होंगे मेल बॉक्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोविजन यूजर अकाउंट फॉर एक्सटर्नल नॉन डेलॉइट क्लाइंट यूजर। ओके, सो डेलॉइट यूजर्स, नॉन डेलॉइट यूजर्स को भी आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा सपोर्ट। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 24/7 वर्किंग एनवायरमेंट देखने मिल जाता है। रोटेशनल शिफ्ट देखने मिल जाती है, मल्टीपल शिफ्ट टाइमिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है, 9 PM to 6 AM, 2 PM to 11 PM। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल नॉलेज, लर्निंग एंड क्विक लर्नर होने चाहिए आप। ओके, यहाँ पे बेसिक स्किल्स दी गई है आप सभी के लिए एंड एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी ग्रेजुएट हो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास तो इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस आपके पास होनी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, एमएस ऑफिस प्रोफिशिएंट होने चाहिए आप। ओके, ये बेसिक स्किल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। एक्सेलेंट रिटन एंड वर्बल स्किल्स, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, कस्टम कंफर्टेबल टू वर्क इन 24/7 एनवायरमेंट, यही बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज की। आई होप आपको इजीली समझ आ गई हो। एमबीए गाइस एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस अपॉर्चुनिटीज को शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी इन अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।